एक तरफ जहां पंचायत चुनाव और नगरीय निकाय चुनाव को लेकर कांग्रेस भाजपा प्रत्याशियों में जीत की होड़ मची हुई है, वहीं प्रदेश के कई स्थानों पर पूर्व जनप्रतिनिधियों के खिलाफ आम जनता में खासा गुस्सा देखने को मिल रहा है। एक ऐसा ही नजारा गुना जिले में देखने को मिला, जहां मतदाता सहित छात्राओं ने ग्राम पंचायत के झूठे विकास का पुलिंदा खोल दिया। मध्य प्रदेश में इन दिनों ग्राम पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव को लेकर घमासान मचा हुआ है। कांग्रेस और भाजपा प्रत्याशी एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाकर अपने आप को जनता का सबसे बड़ा हितैषी बताने में जुटे हैं। वहीं चुनाव जीतने पर गांव के चहुमुखी विकास के दावे किए जा रहे हैं, लेकिन पूर्व जनप्रतिनिधि अपने दावों पर कितना खरे उतरे हैं, इसकी एक तस्वीर गुना में देखने को मिली, जहाँ दूसरे चरण के मतदान के दौरान मतदाताओं ने जमकर अपनी नाराजगी जताई। वहीं विकास के नाम पर सिर्फ भ्रष्टाचार करने का आरोप लगाया। नमस्कार, हम एक छोटी सी बच्ची है, इनका नाम श्रद्धा मीना है, जो पैंची की रहने वाली हैं। इनको अपनी पंचायत की और अपने लोगों की और गरीब लोगों की इतनी चिंता है, जो कि नाबालिग बच्ची हैं, लेकिन इनको सारी समस्याएं गांव की पता हैं। आइए हम बात करते हैं श्रद्धा मीना जी से। क्या नाम है बेटा आपका? मेरा नाम श्रद्धा मीना है। क्या परेशानियाँ हैं यहाँ पे? यहाँ पर है ना, पानी की परेशानी है, नल नहीं आते, 5-5 दिन तक नल नहीं आते, और टैंक जो पानी रहता है टंकी में उनकी भी सफाई नहीं करवाते हैं। और दूसरी समस्या है कि हमारे यहाँ कुटिया जो गरीब है ना, उनकी कुटिया नहीं निकलती है, कुटिया भी नहीं निकलती, और जो समाज है ना, वो हमारे यहाँ कुछ भी पैसे आते हैं ना, उनके सिग्नेचर करवा लेते हैं और पैसे निकाल लिए जाते हैं उनके। कौन निकालता है बेटा ये? कौन, आप ही सोचो कौन करेगा ये? हाथ सरपंच के हाथ में, सरपंच के काम में रहता। और 5 साल पहले हमारे यहाँ AC की सीट आई थी, तो कोई शहरिया नहीं है हमारे पेची में, सिर्फ एक शहरिया था, उससे तो वो सरपंच बन गए। जनता को अपना मत देने का मौका नहीं मिला, इससे सरपंच वो ही रहे। 15 साल हो गए सरपंच को, कुछ काम नहीं हुआ। भुरिया जी, ये जो सरपंच थी ना भुरिया जी, उनका सिर्फ नाम था, काम भारत सिंह जी करते थे, उनके सिग्नेचर करवा लेते थे और पैसे निकाल लिए। भारत सिंह जी कौन है? मतलब सरपंच यहाँ की बुढ़िया जी थी, लेकिन वो AC थी और तो भारत सिंह जी के हाथ में थी, तो वो ही करती तो थी। मतलब SC की महिला थी बुढ़िया जी। हाँ। तो वो पढ़ी लिखी नहीं थी, तो उनकी जो सरपंची थी भारत सिंह जी संभालते थे, उनके काम करती थी इसलिए वो संभालते थे। अच्छा। हाँ। उनके यहाँ काम करती हाँ। थी वो भारत सिंह जी हाँ। के यहाँ पे हाँ। तो सारी सरपंची का इस्तेमाल वो करते थे भारत सिंह जी, बुढ़िया भाई है ना। तो उन्होंने 15 साल में कोई विकास किया नहीं किया? इतना कुछ विकास नहीं किया। अभी आपने लेडीजों से पूछा था, उनके यहाँ घरों में पानी भरा रहा है। मेरी दादी खड़ी हुई है, तो मैं एक दिन उनके साथ प्रचार में गई थी, तो एक लेडीज है, वो विधवा भी है, उन्होंने बोला कि अपना घर दिखाया, पल्ली चढ़ रही है और ऐसे नाली इतने ऊँचे हो रही है, तो वो पूरा पानी उनके घर में जाता है, तो वो नाली भी घर में पूरा पानी जाता है और कुछ भी काम नहीं हुआ। उनके घर में उनकी कुटिया बनने की थी ना, विधवा है, एक तो वो विधवा है, ऊपर से गरीब भी है, तो उनकी कुटिया जरूर थी, लेकिन 15 साल में उनकी कुटिया नहीं आई, और आप उनका घर भी देख सकते हो। और ऐसी काफ़ी समस्या है, जो मैं उनके साथ गई तो उन्होंने मुझे बताया, और मेरे चाचा जी है, उन्होंने है ना ट्यूबवेल लगवाई वहाँ पर, और ट्यूबवेल लगवा के उसमें नल की व्यवस्था की। और मैं झूठ बोल रही हूँ ना, तो आप यहाँ जो लेडीज हैं ना उनसे पूछ सकते हैं, उन्होंने 4-5 महीने पहले नल की व्यवस्था की। तो ये एक बड़ा सवाल है कि इतनी सी छोटी बच्ची अपनी पंचायत की कितनी जानकारी रखती है, लेकिन यहाँ तमाम नेता इस क्षेत्र से आते हैं बड़े बड़े, जिसमें से 3 दिग्गज अभी भी लड़ रहे हैं, अर्चना बल्लू चौहान, प्रियंका मीना, एम पूर्व विधायक ममता मीना जी। तो यहाँ पर विकास आखिर है कहाँ फिर, जब इतने इतने बड़े बड़े वादे किए जा रहे हैं, सारी चीज़ें देखी जा रही हैं, तो फिर क्या 15 कुछ नहीं करते, सिर्फ बोल के रह जाते, कुछ भी काम नहीं। आप हो ना, 15 साल से हमारे यहाँ सुनाम नहीं हुआ, इससे पहले 5 साल पहले AC की सीट आई थी, तो कोई जनता को AC की सिर्फ एक शहरिया था हमारे यहाँ, इसलिए चुनाव नहीं डाले। तो 15 साल से सिर्फ एक सरपंच है, जिससे कुछ भी चुनाव। क्या नाम है बेटा सरपंच का 15 साल से जो है? भारत सिंह मीना। भारत सिंह मीना। तो उन्होंने 15 साल में कोई विकास नहीं किया? कुछ भी, इतना विकास कुछ नहीं किया। आयो गड़ आयो इतने पे गड़ रहा है। क्या नाम है? बलराम मीना। कहाँ से आया? यही पेची गाँव से ही। बोट कौन सा समय चल रहा है, फर्स्ट टाइम डाल रहे हो या? फर्स्ट टाइम ही है मेरा तो, और काफ़ी अच्छा लग रहा है डाल के। क्या उम्मीद करते हैं आप प्रतिनिधियों से? यही कि गांव का विकास करें अच्छे से, रोड सड़क नाली वगैरह इन सब का विकास हो अच्छे से, बस। तो इससे पहले हुआ है विकास या नहीं हुआ? नहीं हो रहा है, विकास तो होता है, लेकिन और अच्छे से ध्यान दी जाए, शिक्षा पे, बच्चों की शिक्षा पे ध्यान दिया जाए, बस यही। मतदान कर रहे हैं और आपके क्षेत्र में जैसे कि नए प्रत्याशी का चयन करने आए हैं, तो आप क्या उम्मीद करना चाह रहे हैं कि जो नए प्रत्याशी जीत के आएगा, ये सरपंच हो या आपका जिला पंचायत सदस्य, क्या उम्मीद करना चाहते हैं? तो विकास का ही उम्मीद चाहते हैं, विकास ही होना चाहिए और क्या है।
अभी पिछले बार जो सरपंच जो थे आपके जो जिला पंचायत सबसे भी अध्यक्ष है उन लोगों ने अपने क्षेत्र में कैसा विकास किया है? बट उस स्तर पर नहीं किया जिस स्तर जैसे कि क्या होना चाहिए था आपके साथ? साफ सफाई कुछ नहीं किया। साफ सफाई हमारे यहाँ पेची पंचायत में जो गटर बहती है वो सफा घटिया है। बाकी जो भी अपना यहाँ से भारत सिंह सरपंच जो भी बना है रोड का प्रॉब्लम है किया लेकिन वो नहीं किया जो होना चाहिए था। वो क्या नाम है? वो कैसे होगा? कहाँ रहते हैं? पेची युवा बोर्ड से हम बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मंदाकिनी मीना। मंदाकिनी मीना कहाँ रहती हैं आप? यही। तो आप वोट क्या पहली बार डाल रहे हैं? नहीं पहली बार नहीं है। पहले भी डाला? हाँ, पहले भी डाला। तो आपको वोट डाल के कैसा लगा? अच्छा लग रहा है। अच्छा लगा। हाँ। तो आप देख रहे हैं यहाँ काफी तादाद में लोग आ रहे हैं। हाँ। तो आप कैसा लगता है सारी वोटिंग 100% हो जाएगी? नहीं हो जाएगी ना। हो जाएगी, उम्मीद है आपको? उम्मीद है। तो आप अकेले आए हैं या फैमिली के साथ वोट डाल? फैमिली है हमारी। गुना से जालम सिंह की रिपोर्ट।